क्या नाम है आपके बच्चे का? फ्रेंड का नाम अक्षय है। फ्रेंड का नाम अक्षय था जी। क्या तकलीफ हो गई थी? सर के सर में बहुत बड़ी एक काट जैसा हो गया था जी, सर में जी। तो हमने इसको बहुत सारी जगह दिखाया, रायबरेली में दिखाया, तो यहाँ रायबरेली में सब डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई कुछ नहीं हो सकता इस बच्चे का जी। और वो गांठ इतना इतना ज्यादा बड़ा था, इतना ऊंचा जी, कि सर हम घबरा रहे थे कि क्या करें जी। तो रायबरेली जब जवाब दे दिया डॉक्टर ने, तो हम लखनऊ लेकर गए जी। लखनऊ में भी डॉक्टर ने कहा कि भाई ऑपरेशन है इसका जी, लास्ट इलाज जी। उसके बाद उन्होंने अपना एस्टिमेट बता दिया, 5-6 लाख रुपया लगाना है। और लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि बच्चे मतलब बच्चा हमारा ठीक हो जाएगा जी, ये कुछ भी नहीं कि बच्चे की आईज की मतलब आंखों की रोशनी भी जा सकती है जी, बच्चा आपका विकलांग भी हो सकता है, मतलब कोई श्योरिटी नहीं दी उन्होंने कि बच्चा मेरा ठीक हो जाएगा जी। फिर हम लखनऊ से दिल्ली चले गए जी। दिल्ली हम गंगारामा हॉस्पिटल में हमने कंसल्ट किया, उन्होंने भी यही कहा कि हम मतलब श्योरिटी नहीं दे सकते कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो जब सर फिर हम परेशान हो गए बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चे की तकलीफ इतनी ज्यादा देखी नहीं जा रही थी वो। फिर हम रायबरेली वापस आए तो हमें किसी ने बताया कि भाई डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव है, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, तो आप एक बार उनको दिखा लीजिए। सर फिर हम उनके पास आए जी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बिल्कुल हाँ इसको ठीक कर देंगे जी। तो हमने उनके पास इलाज मतलब लगभग हमारा 1 ईयर हमारा गया जी। लेकिन सर इस 1 ईयर के पीरियड में वो फोड़ा टाइप जो ट्यूमर बना सर में बच्चे के, वो 7 बार बना, 7 बार फूटा, बच्चे का पूरा बॉडी गल गया जी। सर में जब वो फूटा तो उसके 3 छेद ऐसे हो गए कि कीला डाल लो आप जी। इतना मतलब इतना पस उसमें से निकलता था कि पूरा मतलब हमारा हार्ट ब्रेड बहुत, और बच्चे को दर्द बेतहा। लेकिन सर सब उस सारी चीजों से उठते हुए बच्चे का बॉडी पे आया, बॉडी एकदम गल गया, सोराइसिस की प्रॉब्लम उसको हो गई फिर। लेकिन वो सारी चीजें जब हमने डॉक्टर साहब तो पहले से रही जी। हाँ सर, पहले से ही मतलब उसको जब पैदा हुई थी बाय बर्थ मतलब ये प्रॉब्लम थी उसको जी। तो जैसे जैसे हमने डॉक्टर रमेश श्रीवास्तव सर से दवा ली जी। और वो मतलब कि वो बच्चा मेरा अब बिल्कुल स्वस्थ है